नीरज चोपड़ा जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक यानी ओलंपिक 2020 में हमारे देश के लिए गोल्ड जीते हैं, तो गोल्ड जीतने के बाद उनको हर सरकार की तरफ से तरह तरह की अवार्डे दी जा रही है। तो आइए आज की इस वीडियो में आपसे इस बारे में कुछ शॉर्टकट में बात करते हैं। तो हरियाणा सरकार की तरफ से उनको 6 करोड़ प्लस ए ग्रेड की एक नौकरी दी जा रही है, पंजाब सरकार की तरफ से उनको 2 करोड़ और मणिपुर सरकार की तरफ से उनको 1 करोड़ तोहफे में दी जा रही है, BCCI की तरफ से उनको 1 करोड़, बायजूस लर्निंग ऐप की तरफ से 2 करोड़, CSK की तरफ से 1 करोड़ प्लस 8758 नंबर की एक जर्सी भी दी जा रही है, रेलवे की तरफ से 3 करोड़, महिंद्रा की तरफ से SUV 700 की एक कार, इंडिगो एयरलाइन की तरफ से 1 साल तक फ्री हवाई यात्रा, तो साथ में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से उनको 75 लाख की तोहफे दी जा रही है। तो आपको ये जानकर कैसा लगा आप हमारे साथ कमेंट करके शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल योर इंटरनेट हेल्पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे फैक्ट जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।